हेलो दोस्तों, मेरा किस आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो पे। दोस्तों अगर आप टाइटल और थंबनेल को देखकर वीडियो पे आए हो तो बिल्कुल ही सही वीडियो पे आए। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप एयरटेल मित्रा एप्लीकेशन का न्यू रिटेलर आईडी यहाँ पर ले पाओगे बिल्कुल ही फ्री में। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर कॉमेंट आ रहा था तब जाकर मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर जो है बना रखा है इसके रिकॉर्डिंग की, यहाँ पर आप एयरटेल का न्यू रिटेलर आईडी कैसे ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस है वो यहाँ पर प्रोसेस में थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव किया गया है। तो क्या कुछ नया बदलाव किया गया इसके अंदर और यहाँ पर 2024 में रिटेलर आईडी लेने के लिए क्या है इसका सही प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस मैं बताऊंगा, जिससे कि आप यहां पे न्यू रिटेलर आईडी बिल्कुल ही फ्री में ले पाओगे। 0 रुपया लागत पड़ेगा यहां पर आपको। क्या है प्रोसेस तो चलिए आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को फटाक से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर रिटेलर बनने के लिए यहाँ पर आपके पास एक शॉप होना चाहिए, किसी भी प्रकार का यहाँ पर आपके पास शॉप होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपके पास एक मोबाइल शॉप ही हो, यहाँ पर आपके पास किसी भी प्रकार का शॉप हो, जैसे कि यहाँ पर किराना का शॉप है या यहाँ पर आटा चक्की का शॉप है या यहाँ पर जूता चप्पल का शॉप है, किसी भी प्रकार का यहाँ पर आपके पास शॉप है। ये मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ पर आपके पास जो है मोबाइल शॉप ही हो, लेकिन अगर आपके पास मोबाइल शॉप होता है तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास कोई भी शॉप होना चाहिए, कोई भी किसी भी प्रकार का एक दुकान होना चाहिए यहाँ पर आपको काम करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके अंदर यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखा गया है तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको जो है एक एयरटेल का सिम होना चाहिए। यहाँ पर एयरटेल का जो कॉमन यहाँ पर नॉर्मल सिम कार्ड होता है ग्राहक का, जो यहाँ पर आप यूज करते हो कॉलिंग करने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, बस वही सिंपल सा यहाँ पर आपको जो है एक सिम कार्ड होना चाहिए। एयरटेल का सिम कार्ड ये अनिवार्य है एयरटेल का रिटेलर बनने के लिए। अगर आपके पास एयरटेल का सिम नहीं है तो वो यहाँ पर आप कैसे ले सकते हो बिल्कुल ही फ्री में, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप जान लो कि क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट किया गया। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, आपको यहाँ पर आधार कार्ड लेकर जाना होगा और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी लेकर जाओगे। और यहाँ पर आपके पास जो है एक स्मार्टफोन होना चाहिए यहाँ पर काम करने के लिए। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे काम कैसे कर सकते हो। ऐसे तो यहाँ पर जेन्युइन यहाँ पर जो है सभी के पास अभी के टाइम पे यहाँ पर स्मार्टफोन होता ही है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट किया गया। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो है एक एफिडेविट करवाना होगा। एफिडेविट यहाँ पर जो है करवाना होगा, जो वो यहाँ पर आपको अपना कचहरी जाकर करवाना होगा। यहाँ पर वकील को यहाँ पर जो है आप यहाँ पे 100 से 150 रुपया तक दे दोगे, 200 रुपया भी यहाँ पर जो है कोई कोई वकील ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने जो एफिडेविट करवाया वो यहाँ पर मेरे को एफिडेविट करवाने का यहाँ पर 120 रुपया खर्च पड़ा। जैसा आदमी ऐसा यहाँ पर जो है काम होता है कचहरी में, जैसा कि आप सभी को मालूम है, तो यहाँ पर आपको एक एफिडेविट यहाँ पर करवाना होगा। एफिडेविट करवाने के लिए यहाँ पर आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से आपको एक एफिडेविट यहाँ पर आपको पेपर मिलेगा, उसमें आपको जो है फिल करना है आपका नाम, फुल नेम, फादर नेम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है सिग्नेचर करना है, कुछ कुछ यहाँ पर आपको डिटेल वगैरह फिल करना है। यहाँ पर ये सारा डिटेल आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटर बता देगा कि क्या क्या डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। ये सारा कुछ फिल करके वो पेपर आपको जो मिलेगा वो ब्लैंक मिलेगा, तो आपको ये सारा कुछ फिल करके आपको कचहरी जाके यहाँ पर जो है वो पेपर को यहाँ पर दे देना है वकील को, और वकील यहाँ पर जो है टाइपराइटर से यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर एफिडेविट वगैरह करवा के यहाँ पर आपको वो पेपर को दे देगा। तो यहाँ पर आपको ये हो गया, ये सारा डॉक्यूमेंट को आपको कैसे जमा करना है, कहाँ पे जमा करना है तो चलिए आइए जान लेते हैं। दोस्तों ये सारा डॉक्यूमेंट को जाकर आपको जो है एयरटेल का डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे जमा करना होगा, जो यहाँ पर आपके एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट होता है। अगर आपको नहीं पता है कि एयरटेल का डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट किस जगह पे है तो आप यहाँ पे जो है ये बहुत ही आसान तरीका जो मैं बता रहा हूँ उसके जरिए आप यहाँ पे पता कर सकते हो कि यहाँ पर आपके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट कहाँ पे है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो एयरटेल का मोबाइल दुकान होते हैं उनका यहाँ पर आपको जो है शॉप पे यहाँ पर एयरटेल का बोर्ड लगा हुआ होगा। एयरटेल का बोर्ड लगा हुआ होगा तो समझ लो कि यहाँ पर वो एयरटेल का काम करते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है कि उनके पास जाना है और यहाँ पर आपको पता करना है, उनसे पूछना है कि यहाँ पर एयरटेल का डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट हमारे एरिया में कहाँ पे है, तो वो यहाँ पर इजिली बता देंगे। अगर नहीं बताते हैं तो यहाँ पर आप जो है उनका एयरटेल मित्रा एप्लीकेशन को लॉग इन करवाना और यहाँ पर पेज को ऊपर के स्क्रॉल करके माई अकाउंट सेक्शन पे आना, उसके बाद आपको जो है उस पर टैप करना, उसके बाद यहाँ पर उंगली रखना और उसको राइट से लेफ्ट की ओर स्लाइड करते हुए यहाँ पर आपको आ जाना है लापू सेक्शन पे। लापू सेक्शन पे जैसे ही आओगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेकंड से थर्ड नंबर पे यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर, पहले नंबर पे आपका रिटेलर नंबर शो होता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे एफएससी और थर्ड नंबर पे यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर शो हो जाता है, लिखा हुआ होगा वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर को आपको ले लेना है यहाँ पर रिटेलर से और उनको यहाँ पर कॉल करके उनसे जो है आप जाकर मुलाकात करोगे, ये सारा डॉक्यूमेंट को जमा करोगे। जैसे ही जमा करते हो दोस्तों तो यहाँ पर ये जो है 7 दिनों के अंदर अंदर
आपको रिटेलर आईडी क्रिएट करके दे देते हैं। पहले क्या होता था कि यहाँ पर हाथों हाथ भी क्रिएट कर देते थे, 24 से 48 घंटे के अंदर यहाँ पर क्रिएट हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पर जो है 7 दिन का समय लग रहा है। और यहाँ पर वो सारा डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पर आपको जमा करना है डिस्ट्रीब्यूटर को, जो यहाँ पर मैंने बताया है, पहला आधार कार्ड, दूसरा यहाँ पर आपको एफिडेविट, और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, ये तीसरा, ये सारा कुछ देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर आपका एयरटेल का देना है, और एयरटेल का मोबाइल नंबर के अलावा यहाँ पर आपको पीछे का सिम का 20 डिजिट नंबर 899 से लेके यू तक आप जब सिम कार्ड को खोलोगे तो बैक साइड में यहाँ पर जो है पीछे यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, जैसे कि पैनल के जस्ट पीछे आपको लिखा हुआ रहता है 20 डिजिट का नंबर, तो ये 20 डिजिट का नंबर मोबाइल सहित ये सारा कुछ आपको लिख कर दे देना है डिस्ट्रीब्यूटर को। जैसे ही दे दोगे तो 7 दिनों के अंदर अंदर आपका जो है आईडी क्रिएट हो जाएगा और आप यहाँ पे लॉग इन करके यहाँ पर अपना एयरटेल मित्र ऐप एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे। रिचार्ज तो यहाँ पर आपका यूज होने लगेगा, लेकिन यहाँ पर आप जब तक यहाँ पर जो अपना वेरिफिकेशन नहीं करोगे रिटेलर वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर आपका जो है सिम एक्टिवेट करने का प्रोसेस काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर रिटेलर वेरिफिकेशन यहाँ पर आपको कर लेना है सबसे पहले, तभी आप यहाँ पे एयरटेल का सिम कार्ड चालू कर पाओगे, एयरटेल का MNP पोर्ट कर पाओगे और अच्छा खासा अर्निंग भी कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर रिचार्ज में आप सभी को मालूम ही है कि यहाँ पर ज्यादा कमीशन नहीं मिलता है, 3% ही यहाँ पर फ्लैट कमीशन मिलता है, और यहाँ पर आर ऑफर में जो भी यहाँ पर आपको स्टार ऑफर शो करता है उसके अलावा यहाँ पर आपको कमीशन जो मिलना रहता है वो मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो कमाई है मेन वो यहाँ पर है सिम चालू करके। तो यहाँ पर सिम चालू करके यहाँ पर जो है आप कमाई कर पाओगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर रिटेलर वेरिफिकेशन नहीं करोगे तो यहाँ पर आपका सिम एक्टिवेशन वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा। दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर रिटेलर वेरिफिकेशन कैसे करना है, तो दोस्तों यहाँ पर रिटेलर वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, तो आप जाकर वो वीडियो को प्लेलिस्ट पर देख लेना, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा आई बटन पे देने के लिए। ऐसे आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, भर भर कर वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर रिटेलर वेरिफिकेशन करने को लेकर। और यहाँ पर मैं आपको जाते जाते ये भी बता दूं कि अगर आपके पास एयरटेल का सिम नहीं है तो एयरटेल का सिम आपको बिल्कुल ही फ्री में कैसे मिलेगा। दोस्तों एयरटेल का सिम अगर आपके पास नहीं है तो एयरटेल का सिम कार्ड आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे जैसे ही जाओगे तो आपको बिल्कुल ही फ्री में डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से यहाँ पर आपको जो है एक एयरटेल का सिम कार्ड दे दिया जाएगा लापू सिम क्रिएट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको जो FR का पैसा होता है वो यहाँ पर आपको देना होगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आप अगर रिचार्ज करवाते हो FR 299 यानी कि 299 का अगर आप यहाँ पे रिचार्ज करवाते हो तो यहाँ पर आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर 150 रुपया का अंदर अंदर यहाँ पर आपको लेगा, जो जेन्युइन रेट है वो यहाँ पर आपको लेगा और यहाँ पर आपका ये रिटेलर आईडी क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर वो यहाँ पर आपसे पैसा मांगता है रिटेलर आईडी लेने के लिए तो यहाँ पर आप उनको बिल्कुल ही मत देना, क्योंकि रिटेलर आईडी लेने के लिए यहाँ पर आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है, 0 रुपया यहाँ पर आपको खर्च पड़ता है। ऐसे अगर वो आपसे जो है ज्यादा डिमांड करते हो तो आप नहीं देना, अगर यहाँ पर 150-200 यहाँ पर खर्चा पानी के लिए मांगते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे जो अपना TM से कंसल्ट कर सकते हो जो उस एरिया को यहाँ पर हैंडल करते हैं, उनसे आप यहाँ पे बात कर लेना। TM का नंबर भी आपको वही रिटेलर का लापू सेक्शन पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे 2024 के अंदर एयरटेल का न्यू रिटेलर आईडी यहाँ पर ले सकते हो और यहाँ पर एयरटेल का न्यू रिटेलर बन के अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये ध्यान रहे कि यहाँ पर ऑनलाइन के चक्कर में मत फंसना, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन में ज्यादा भी फ्रॉड होता है, यहाँ पर आपसे वो पैसा भी ले लेंगे और यहाँ पर आपका आईडी भी नहीं बनाकर वो देंगे। तो यहाँ पर जो मैंने तरीका बताया वो यहाँ पर जेन्युइन और 101% यहाँ पर वर्किंग यहाँ पर तरीका बताया है, इस तरीके से यहाँ पर जो है मैंने भी रिटेलर आईडी लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताना, वीडियो अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर देना। और अगर आपको तभी वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने अपने भाई का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो देर किस बात का, जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी अपडेट आता है मैं टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले पोस्ट करता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।